पलंग का नीचे सबसे जहरीला सांप ऊपर आ गया। नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं करेगा ये आराम से डरिए। बताया जा रहा कि कोई सांप देखा गया है घर के अंदर ना। हाँ। कब से देखे हैं भैया? अभी 1-2 घंटा हो गया। अच्छा, 2 घंटा से बताया जा रहा सांप नजर आ रहा था। और ये कौन सा जगह है, एड्रेस बता दीजिए। एमबीसी कॉलोनी है। एमबीसी कॉलोनी, ये नूनूडी ना। और यहाँ का प्रखंड? झरिया प्रखंड। अच्छा, झरिया प्रखंड पड़ता है, जो कि दोस्तों अभी आ चुके हैं हम लोग, धनबाद जिला पड़ता है ये, हमारे घर से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर। तो चलिए आइए, देखते हैं कौन सा सांप है। वीडियो का आखिरी तक बने रहे हमारे साथ, आइए चलिए भैया। इसी रूम में है ना? रूम में है। अच्छा अंकल जी, डंडा लेके। कौन सांप? तो देख रहे हैं अंकल जी जो है डंटा लेके खड़े हैं, ताकि अगर इधर उधर हुआ तो सीधे डंटा से ये क्या मार देते हैं। हाँ, मार भी नहीं करते। देखिए वो सांपों के ये दोस्तों इतना ही, मतलब सांप एक ऐसा चीज है जिसके लिए सभी को जो है डर है भाई, आतंक है। और ये आप लोग देख रहे हैं इस वक्त अपने मोबाइल के स्क्रीन पर दोस्तों, भारत देश का सबसे जहरीला सांप कॉमन क्रेट। सोच रहे हैं पलंग का नीचे सबसे जहरीला सांप, और हादसा जो है इसी समय होता है, अचानक पैर पड़ता है। ऐसे नहीं काटता है ये सांप, पैर पड़ा तुरंत जो है ये पलक झपकते ही काट लेता है। और ये एक ऐसा सांप है दोस्तों जो कि हमेशा रात को मूवमेंट होता है, शाम 6 बजे ये निकल जाएगा अपना बिलों से, फिर अपना भोजन उजन करके भोर 5 बजे तक अपना बिल में चला जाएगा। चलिए बिना ना वक्त गवाए पहले रेस्क्यू करते हैं, उसके बाद आगे का जानकारी देते हैं वीडियो में। तो हाँ, थोड़ा सा आप इधर आ जाइएगा। अच्छा, हम जूता पहन के चढ़ जाएँ? आपको भी सेफ चाहिए। देखिए जूता पैर में रहना जरूरी है, काहे कि हमेशा पैर में ही अंदर चल जाएगा। अंदर चल जाएगा। हाँ, अंदर चल जाएगा। घुसा होगा उधर से ही ना? उधर चल जाएगा। किधर? दोस्तों देख रहे हैं भारत का सबसे जहरीला ये जो है कॉमन क्रेट। आराम से, डरिए मत। चलिए बाहर लेके चलते हैं। माय गॉड, ऐसे ही जो है ये बड़ा बड़ा हादसा जो है हो जाता है। आप लोगों ने देखा किस प्रकार पलंग के नीचे थोड़ा सा दोस्तों पैर पड़ते ही ये जो है गुस्सा में काट लेता है। देखिए दूसरे सांपों को पकड़ के खा लेते हैं, ये चूहा मेढक नहीं खाते हैं, सीधे दूसरे छोटे छोटे सांपों को पकड़ के खा लेते हैं। कभी कभी ये पानी में भी उतर जाते हैं, वाटर स्नेक को जो है ये अपना निवाला बना लेते हैं। नहीं नहीं डरिए मत, आराम से। देखिए कुछ नहीं करेगा, अब आ गई है ना। देखिए इधर से ही आया होगा, उधर भाग रहा ना। हाँ दोस्तों, भारत का सबसे जहरीला सांप, वन ऑफ द मोस्ट वेनमस स्नेक इन इंडिया। ये जो सांप है इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है। न्यूरोटॉक्सिक जो है डायरेक्ट नर्वस सिस्टम पर काम करता है। तो कभी भी ऐसा सांप दोस्तों काटे गलती से, भगवान ना करे, सीधे आप लोग हॉस्पिटल जाइए, कोई भी तांत्रिक वांत्रिक ओझा गुनी के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। देखिए जो कॉमन क्रेट होते हैं, कॉमन क्रेट में जो है देखिए ठीक माउथ से लेकर यहाँ तक देखिए निशान नहीं है, सिर्फ ब्लैक ब्लैक स्पॉट रहेगा। उसके बाद जो है इसका धारिया स्टार्ट होता है और डबल इसमें वाइट वाइट मिलेगा, तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसका सबसे छोटा छोटा दांत होता है, फेंग होता है, ये अगर काट लेता है तो दोस्तों पता भी नहीं चलता। अगर देखिए काफ़ी फुर्तीला, तो ये अगर बाइट करता है तो लगता है चींटी काटा है। और उस जगह को दोस्तों थोड़ा सा अगर मसाज कर दिए तो वो जलन भी ठीक हो जाता है। और अगर गलती से वो इंसान सूत गया, लेट गया, तो वो फिर लेटा का लेटा ही रह जाएगा। ये जो है अक्सर दोस्तों कभी कभार देखा गया है नींद में भी इंसान को बाइट किया है, क्योंकि इंसान सोता है उसमें से जो एक स्मेल निकलता है वो इसको काफ़ी पसंद होता है,
जिसके कारण खास करके खपरा के घर में, टालियों के घर में, मिट्टी के घर में ये ज़्यादातर इंसान को जो है सोते हुए काट लेते हैं, इसीलिए इसको साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी बिग साइज़ का है, बहुत ही बड़ा है दोस्तों। पहली बार इतना बड़ा साइज का कॉमन क्रेथ हमने रेस्क्यू किया, बहुत पुराना साइज है। और ये एक मेल स्नैक है, यानी कि नर है, पुरुष वर्ग का सांप है। ये बेचारा भोजन का तलाश में इस घर में घुस चुका था, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा अंकल जी लोग जो है मारे नहीं, तुरंत हमें फ़ोन से सूचना दिए, जिसके कारण इस सांप का भी जान बच गया और सभी का, ये लोग भी सेफ हो गए। तो अभी इसको ले जाकर हम लोग दूर जंगल में रिलीज़ कर देंगे, छोड़ देंगे, आज़ाद कर देंगे, जहाँ फिर से ये अपना आगे का ज़िंदगी को सर्वाइव कर पाएगा, जी पाएगा। देखिए आंटी जी भी डंडा ले लिए। तो सांप जब भी काटे आप लोग किसी को भी डराए नहीं, देखिए ज़्यादा अगर डराएंगे, अगर बिना जहर वाला सांप भी रहेगा तो उनका हार्ट अटैक से भी जान जा सकता है, इसीलिए कभी भी सांप काटे तो आप लोग उसको व्यक्ति को डराए नहीं। डब्बे में ये जो है खुद ब खुद घुस गया, तो डब्बा जो है छोटा पड़ रहा, लेकिन हम लोग जाके अभी दूसरे डब्बा में ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए किस प्रकार, इसी प्रकार हादसा हो जाता है, थोड़ा सा चूक से जो है जान चला जाता है। वीडियो को देखकर ऐसा करने का कोशिश आप लोग बिल्कुल ना कीजिएगा दोस्तों, अन्यथा ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है। देखिए ओ माय गॉड, देखिए फिर देखिए किस प्रकार बाहर आ गया, मतलब डब्बा थोड़ा छोटा पड़ रहा, समझे। देखिए इसका मूवमेंट आप लोग देख सकते हैं, देखिए अब दोस्तों ये किस प्रकार मेरे ऊपर आ गया। नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं करेगा, देखिए ना थोड़ा। देखिए कभी कभार बहुत लोग जो है जंगल में बैठ के रहते हैं, और अचानक अगर सांप आ जाए तो ऐसा जो है आपको हिलना नहीं है, चुपचाप खड़ा रहना है या बैठ के रहना है, जैसे हालत में रहिएगा वैसे ही रहिएगा दोस्तों, ये खुद ब खुद जो है उतर के पार होके चला जाएगा, देखिए। लेकिन थोड़ा सा अगर जहाँ दब गया, प्रेस हुआ, तुरंत जो है ये बाइट कर लेगा, काट लेगा। देखिए किस प्रकार पैर पर ये आ गया, ओ माय गॉड। हाँ इसमें हो जाएगा, कितना होता होगा? 3 से 4 साल का इसका होगा, हाँ 3-4 साल उम्र है, इसमें ही रह जाएगा आराम से। ये डब्बा थोड़ा बड़ा है, हाँ और लगभग 1 फीट और बढ़ेगा। तो फाइनली जो है ये पैक हो चुका है दोस्तों, वो डब्बा जो है छोटा पड़ रहा था इसीलिए जो है ये घुसना नहीं चाह रहा था, फाइनली जो है इसमें हाँ ले लेते हैं, फाइनली इसमें जो है ये पूरा घुस चुका है दोस्तों। इसको जो है अभी हम लोग जाके जंगल में तुरंत ही जाके रिलीज़ कर देंगे, रात का वक्त है, रात ही को ये सांप का ज़्यादा मूवमेंट होता है, तो वो छेदा कर देंगे अभी, हाँ ऑक्सीजन ले पाएगा। चलिए आप लोगों से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी बेजुबान जीवों को बचाते हुए। मैं संदीप जोशी, झारखंड बोकारो जिले से। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।